मंदिर के निर्माण के लिए निधि संकलन का कार्य पूरे देश में चल रहा है। ऐसे में हर कोई राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। हाल ही में मशहूर एक्टर मुकेश खन्ना ने श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए 1,11,111 रुपए का चेक दिया है। मुकेश खन्ना ने श्री राम मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, आज बुजुर्गों के पितामह व बच्चों के शक्तिमान श्री मुकेश खन्ना जी ने राम मंदिर निर्माण निधि संकलन अभियान में अपना 1,11,111 रुपए का चेक अपने इलाके के विधायक अतुल भातकलकर जी को सुपुर्द किया है। साथ में विजय झा और साईनाथ कुलकर्णी जी भी उपस्थित थे। बता दें कि मुकेश खन्ना ने टीवी शो महाभारत में पितामह का किरदार निभाया था और शक्तिमान में मुकेश खन्ना शक्तिमान के किरदार में नजर आए थे। यही वजह है कि एक्टर ने अपने आप को पितामह और शक्तिमान बताते हुए ट्वीट किया। श्री राम मंदिर निधि समर्पण में अब तक एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और तेलुगु एक्टर और जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भी भाग ले चुके हैं। हेमा मालिनी ने अपने संसदीय क्षेत्र मथुरा में इसका शुभारंभ किया था। पवन कल्याण ने राम मंदिर निर्माण के लिए 30 लाख रुपए दिए थे। तो वहीं अक्षय कुमार ने भी बीते दिनों एक वीडियो जारी कर लोगों से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर योगदान करने की अपील की थी। वीडियो में अक्षय कुमार ने बताया था कि वे अपनी बेटी को राम सेतु निर्माण में गैलरी के योगदान की कहानी सुना रहे थे। उसी कहानी की तरह उन्होंने देशवासियों से गैलरी और वानर बनने की अपील की थी। चलिए जाते जाते सुनाते हैं आपको अक्षय कुमार का ये वीडियो। कल रात मैं अपनी बेटी को एक कहानी सुना रहा था, आप सुनेंगे। तो जी, ऐसा था कि एक तरफ वानरों की सेना थी और दूसरी तरफ थी लंका, और दोनों के बीच में महासमुद्र। अब वानर सेना बड़े बड़े पत्थर उठाकर समुद्र में डाल गई थी राम सेतु का निर्माण कर सीता मैया को वापस जो लाना था। प्रभु श्री राम किनारे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे, तभी उनकी नजर पड़ी एक गिलहरी पर। गिलहरी जो थी वो पानी में जाती, फिर किनारे पर आती, रेत में लौट जाती थी, फिर राम सेतु के पत्थरों की ओर फिर भागती, फिर से पानी में जाती, फिर रेत में, फिर पत्थरों। राम जी को आश्चर्य हुआ कि ये हो क्या रहा है। वो गिलहरी के पास गए, पूछा, तुम गिलहरी कर क्या रही हो? गिलहरी ने जवाब दिया कि मैं अपने शरीर को गीला करती हूँ, उस पर रेत लपेटती हूँ और पत्थरों के बीच की जो दरारें हैं उसको भरती हूँ। राम सेतु के निर्माण में मैं भी अपना छोटा सा योगदान दे रही हूँ। आज बारी हमारी, अयोध्या में हमारे श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। हम में से कुछ वानर बने, कुछ गिलहरियां बने और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देकर ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर बनाने में साझेदार बने। मैं खुद करता हूं शुरुआत, मुझे विश्वास है कि आप भी मेरे साथ जुड़ेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस भव्य मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन और संदेश पर चलने की प्रेरणा मिलती रहे। जय श्री राम।